का हिंदी सत्र में स्वागत है। नमस्ते सभी को। नमस्ते बानु भैया। नमस्ते भैया। स्लाइड्स आप डिस्प्ले कर पाएंगे? हाँ सभी भैया। हाँ जी भैया, मुझे स्लाइड को शेयर करना। साथियों को नमस्ते। आज हम लोग 15वें दिन पर हैं। आज 15वां दिन है सेक्स डोनेशन को करते हुए, और हम लोगों ने लगभग 9 दिन पहले जब इस यात्रा को शुरू किया था तो सुख स्वभाव है या प्रभाव, यहाँ से चर्चा शुरू किया था। प्रभाव से सुखी होने का क्या आशय है उसको भी समझने का प्रयास किया, स्वभाव सुख है उसको भी समझने का प्रयास किया। इस क्रम में हम लोगों ने सुख समृद्धि और उसके निरंतरता को समझने का प्रयास किया, ये भी समझा कि हमारी मूल चाहना है और प्रोग्राम है उसके लिए तो समझ, संबंध और सुविधा तीनों पर ही काम करना होगा। फिर हम लोगों ने ये भी ध्यान दिया कि सिर्फ सुविधा पर अगर काम करते हैं तो देखने जाए तो सुविधा से सिर्फ मानव की आवश्यकता पूरा नहीं हो पाता, पशुओं का हो सकता है पूरा पड़ जाए। इसलिए कई बार जो सिर्फ सुविधा पर फोकस होकर चेतना चल रही होती है उसको हम जीव चेतना के रूप में समझने का प्रयास किए। मानव का तृप्ति पूर्वक जीना तो समझ, संबंध और सुविधा के साथ ही हो पाता है, तो उसको मानव चेतना के रूप में पहचानने का प्रयास। तो ये भी ध्यान में आया कि एक महत्वपूर्ण काम शिक्षा का यह है कि मानव के चेतना का ट्रांसफॉर्मेशन हो सके जीव चेतना से मानव चेतना में, ताकि आदमी अपने में समझ, संबंध और सुविधा तीनों के लिए प्रयास को कर सके और तीनों को अपने में सुनिश्चित कर सके और जो मूल चाहना है निरंतर सुख समृद्धि उसको पूरा कर सके। उस क्रम में फिर हम लोग मानव को और ठीक से, अपने आप को और ठीक से समझने का प्रयास शुरू किए, तो उसमें ये बात भी ध्यान में आई कि हमें दो तरह का संसार है, एक जड़ संसार और एक चैतन्य संसार। जड़ की आवश्यकता जड़ से, चैतन्य की आवश्यकता चैतन्य से पूरा होगा। जब भी हम चैतन्य की आवश्यकता को जड़ वस्तुओं से पूरा करने जाते हैं तो असीमित सुविधा संग्रह के कुचक्र में फंस जाते हैं, सुविधाएं भी बढ़ती जाती हैं और अपने में दरिद्रता का भाव भी बढ़ता जाता है। इस कुचक्र को हम अपने भीतर ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि हम स्वयं भी तो इस कुचक्र में नहीं फंसे। अगर फंसे हैं कम या ज्यादा तो उसे बाहर निकलने का क्या उपाय है? हम ठीक से अपना अध्ययन कर लें कि हम सिर्फ शरीर है क्या? क्या हमारी सारी आवश्यकताएं सिर्फ सुविधाओं से पूरी हो सकती हैं क्या? या हमको सेल्फ को भी समझना होगा, सेल्फ के लिए सही समझ, सही भाव पर भी काम करना होगा। जैसे जैसे ये ध्यान में आता है हम अपने सेल्फ और शरीर दोनों की आवश्यकताओं को समझकर उसी विधि से उसको पूरा करने का प्रोग्राम बनाने का प्रयास शुरू करते हैं। इस पर एक चर्चा किया हम लोगों ने। किसी को और ठीक ढंग से समझने के लिए हम लोगों ने आगे प्रयास किया तो कल इस बात पर भी चर्चा हुई कि अगर मैं अब अपने आप को देखूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा सेल्फ भी है, मैं भी हूँ और मेरा शरीर भी है। मैं जीना चाहता हूँ और शरीर का साधन की तरह प्रयोग करता हूँ। मैं निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता हूँ। शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग के लिए सुविधाओं की आवश्यकता है। चार स्तर की व्यवस्था को सही सही समझ कर वैसा जी कर मैं निरंतर सुखी हो सकता हूँ। चार स्तर की व्यवस्था को समझना और जीना मेरे निरंतर सुखी होने के कार्यक्रम के रूप में, यही मेरा संपूर्ण कार्यक्रम। शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग के लिए सुविधा का उत्पादन करना, उसका संरक्षण करना, उसका सदुपयोग करना मेरे कार्यक्रम का एक भाग है, एक छोटा भाग है, एक चौथाई भाग है लगभग। जैसे जैसे इस पर ध्यान जाता है मैं ये देख पाता हूँ, मैं ही दृष्टा हूँ, अर्थात जो कुछ भी देख रहा हूँ पांचों सेंसरी ऑर्गन से उसको मैं ही देख रहा हूँ। आंख, नाक, कान, त्वचा ये सब नहीं देख रहे हैं, तो सूचनाएं दे रहे हैं मुझ तक। उसको देख कर उसके बारे निष्कर्ष बनाने वाला तो मेरा सेल्फ है। उसको देख कर निष्कर्ष मैं बना रहा हूँ, निर्णय मैं ले रहा हूँ, मेरा सेल्फ ले रहा है, इसलिए करता भी नहीं हूँ। और उस निर्णय को शरीर के माध्यम से बाहर एग्जीक्यूट करता हूँ, उसके कुछ फल परिणाम आते हैं सुविधा के रूप में, व्यवस्था व्यवस्था के रूप में, बाहर पद प्रतिष्ठा के रूप में। लेकिन इस परिणामों के अतिरिक्त एक और मुख्य परिणाम आता है कि इन सब से या तो मैं हारमोनी में जाता हूँ या बेचैन होता हूँ। अंतत्वगत्वा ये बाहर जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तो एक उपलब्धि के रूप में आज तक देखता रहा, बट मुख्य उपलब्धि है कि ये सब करके मेरे में हारमोनी हो रही है कि डिसहारमोनी। इस अर्थ में जब मैं देखने जाता हूँ तो ध्यान जाता है कि भोक्ता भी मैं ही हूँ। तो निष्कर्ष ये बनता है अपने में कि मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, शरीर का तो साधन की तरह प्रयोग करता हूँ।
फिर इसको हम लोग अपने भीतर रिफ्लेक्ट करने का प्रयास किए थे 4-5 मिनट, और उससे संबंधित एक अभ्यास आप लोगों के साथ साझा किया गया था कल, कि इसको और अपने भीतर ठीक से ऑब्जर्व करके देख सके, ये पता लगाने की आप कोशिश करें। तो आपने बहुत सारा एफर्ट अभी तक किया है अपने लिए पर्याप्त सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए। अगर आपको ऐसा नहीं ऐसा लग रहा है बीच बीच में कभी कभी कि अब सुविधाएं तो पर्याप्त हो गई, तो अब आप अपना आगे का क्या कार्यक्रम देख पा रहे हैं। कई बार हम इसको तय ही नहीं कर पाते कि सुविधाएं कब पर्याप्त होंगी। ऐसा लगता है कि है ना, हमारी आय की सीमा ही ना हो तो हम पूरी धरती खरीद लें, पूरा दुनिया हमारी हो जाए। तो उसको भी देखने का कोशिश किए कि अगर आपकी आय की सीमा ना हो तो क्या आप उन सभी सुविधाओं को पहचान पाएंगे जिनकी वास्तव में आपको आवश्यकता है। फिर इसको भी ध्यान देने का कोशिश किए कि दिन भर आप जिन भी गतिविधियों में शामिल हैं उसमें आप ये देखने का प्रयास करें कि जो भी छोटे बड़े निर्णय आप ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका निर्णय कौन ले रहा है, आपका सेल्फ, आप स्वयं या शरीर। फिर इसी बात को आगे और एक्सटेंड किए कि हम इसको देखने का प्रयास करें कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ उसको मेरे सेंसरी ऑर्गन्स देख रहे हैं या मात्र वो सूचना दे रहे हैं, और देखने वाला तो मैं स्वयं हूँ। निर्णय मेरे हाथ पैर आँख कान या शरीर के अंग ले रहे हैं या निर्णय लेने वाला कर्ता मैं हूँ, और अंतत्वगत्वा भोक्ता भी मैं हूँ। और पूरे दिन भर जीने के क्रम में शरीर का साधन की तरह प्रयोग करता। इन 4 बातों को आपसे ऑब्जर्व करने की अपेक्षा थी कि आप इन 4 बातों को अपने भीतर ध्यान देंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, और इसके जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगे उसको आप नोट डाउन करेंगे और आज साझा करेंगे, चर्चा करेंगे उस पर। तो जिन भी साथी लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया है उनसे अपेक्षा है कि वो एक एक करके अपनी ऑब्जर्वेशंस को, अपने फाइंडिंग्स को शेयर करें। प्रश्न है तो उस पर आप चर्चा करें, कुछ हैंड रेज है तो मैं एक एक करके जिनके हैंड रेज है उनसे बात शुरू करता हूँ। शेष साथी लोग भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो पवनेंद्र कुमार जी हैं मुरादाबाद से। जी पवनेंद्र भैया नमस्ते। जी नमस्ते भैया। नमस्ते जी भैया। तो जो कल का असाइनमेंट था उसको भैया करने का प्रयास किया। तो पहले नंबर पे अगर देखें तो सुविधाओं के रूप में तो अभी पर्याप्त दिखता है, लेकिन ये कंटिन्यूटी नहीं बनी रहती है। तो विचारों में कि ये पर्याप्त है, देखते हैं तो पर्याप्त दिखता है, लेकिन लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं होता, तो कभी कभी फंस जाते हैं। और इसके बाद कार्यक्रम को देखें तो है तो यही कि मैं खुद में कुछ चेंज ला पाऊं, सही समझ लेके आऊं, उसके लिए प्रयास रहते हैं। और साथ साथ में फिर क्या पार्टिसिपेशन होगा उसके बारे में एक प्रोग्राम के रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि मेरा क्या पार्टिसिपेशन हो सकता है। लेकिन इसके साथ कुछ कंसर्न्स बने रहते हैं जो रोकते हैं या हिंड्रेंस पैदा करते हैं। तो एक बड़ा जो कंसर्न है वो तो स्वायत्तता का ही है कि अभी डिपेंडेंट हैं अपनी अर्निंग्स के लिए, और उसको अगर देखें ये कंटिन्यूटी में बनती है तो पर्याप्त है, बट उसमें स्थायित्व नहीं दिखता है तो वहीं पे थोड़ी सी समस्या दिखती है। तो इसीलिए जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी फ्लैक्चुएट होता रहता है। और दूसरा जो था उसको अगर देखता हूँ तो सुविधाएं, अगर आय अनिश्चित हो या इसकी कोई सीमा ना हो तो उसके रूप में वैसे तो बहुत ज़्यादा कुछ विचार जाता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसमें इतना ही देखते हैं कि कुछ ऐसा कर पाए जो हमारी आवश्यकता से अधिक है, उसको हम ठीक जगह लगा पाए, सही समझ के कार्यक्रम में लगा पाए, इतना विचार जाता है। पहले विचार जाते थे बहुत इधर उधर कि ये कर लें वो कर लें, लेकिन अब वहाँ विचार नहीं जाता। और तीसरे नंबर पे अगर देखें तो जो निर्णय की बात करते हैं तो निर्णय तो भैया मेरा ही होता है, ये दिखाई देता है। तो कल एक इंसिडेंस के साथ में अगर देखूं तो कल मैं किस बात कर रहा था एक मेथडोलॉजी को लेके, टीचिंग मेथडोलॉजी को लेके, तो उसमें मैंने अपने आप को देखा कि मैं एक्साइटेड हूँ। तो एक्साइटेड हूँ और ये मुझे नहीं करना है, ऐसा भी निर्णय बना स्वयं में, तो मैं देख पा रहा था कि निर्णय मैं ले रहा हूँ। फिर मैंने उसको एक्साइटमेंट को कम करके अपना जो बात है उसको ठीक से रखें। और उस समय एक ऑब्जर्वेशन ये भी था कि जैसे ही मैं एक्साइटेड होता हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहा होता हूँ कि मैं मेरी बात दूसरे मान ही लें, तो मैं उस बात का ओवर इवोल्यूशन करता हूँ।
और जैसे ही अपनी बात रखने जा रहे हैं तो उसको ओवर इवेल्युएट करते हैं, तो शरीर में भी प्रभाव उसका देखने को पड़ता है कि शरीर में भी एक आवेश जैसा महसूस होता है। तो ये भैया इतना मैंने देखा, तो उसमें देखा कि ये जो आवेशित होना है उससे सुखी दुखी होना वो भी मैं ही हो रहा हूँ। तो ये तीनों चीजें तो दिख रही हैं कि दृष्टा भी मैं हूँ, कर्ता भी मैं हूँ और भोक्ता भी मैं हूँ। प्रश्न के रूप में देखें भैया तो यही है कि अभी काम जारी है, लेकिन वो जो कंसर्न्स हैं उनको लेके मैं बहुत ज्यादा अभी सेटल्ड नहीं हो पा रहा हूँ। तो ये इतना मेरा ऑब्जर्वेशन था आज का भैया। जी भैया, बहुत बढ़िया भैया। तो धीरे धीरे अगर आप अपनी यात्रा को देखेंगे, जब से आपने अपने पर, सेल्फ पर और बॉडी पर दोनों पर ध्यान देकर यात्रा शुरू किया है, तब से अपने भीतर स्थिरता बढ़ी है या घटी है, निश्चितता बढ़ी है या घटी है, क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? भैया पहले के कंपैरेटिवली तो दिखता है कि अभी स्थिरता भी बढ़ी है। पहले बहुत जल्दी जिसमें इस चीज को लेके, इन कंसर्न्स को लेके प्रभावित हो जाते थे, अब इतना जल्दी नहीं होते हैं। और अगर हो भी गए तो बहुत जल्दी उसको सेटल आउट कर लेते हैं, तो ये लंबे समय तक तो नहीं खींचते, ये फर्क तो है। जी, अब धीरे धीरे देखेंगे तो आगे और अध्ययन हम इसका कर पाएंगे। जितना ये बात हमको ठीक से अपने भीतर स्पष्ट होगी कि मैं दृष्टा हूँ, कर्ता हूँ, भोक्ता हूँ, और चार स्तर की व्यवस्था को सही सही समझ कर जीना मेरा मूल मूल कार्यक्रम है, मुख्य कार्यक्रम है, यही कंप्लीट कार्यक्रम है। सुविधा का उत्पादन, संरक्षण और सदुपयोग करना एक तरह से शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग के लिए आवश्यक है, लेकिन ये मेरे कार्यक्रम का कंप्लीट भाग नहीं है, लगभग 1/4 भाग। जितना जितना हम अपने आप को सेल्फ और बॉडी के कोएक्सिस्टेंस के रूप में और अपने जिनके साथ भी संबंध को देखते हैं, जहाँ सुविधा की आवश्यकता को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, उसको उसके लिए भी इस बात को देख पाएंगे, उतना उतना हम अपने पास उपलब्ध सुविधाओं का भी ठीक से आकलन कर पाएंगे कि हमारे पास शरीर के संरक्षण के लिए कपड़ा और आवास का संकट है या होने वाला है क्या, भोजन के लिए संकट है या होने वाला है क्या, है ना? जो शरीर का सदुपयोग करना है उसके लिए साधनों के कमी है या होने वाला है। तो जितना जितना हम इसको ध्यान देते हैं तो दिखता है कि बहुत सारा काम तो इस पर ऑलरेडी पिछली पीढ़ी ने, आज की पीढ़ी ने कर दिया है। दो दो घर हो गए हैं, दो दो गाड़ियां हो गई हैं, इतना हमने संचय करके रख लिया है कि तो अगले कई वर्षों तक हम और हमारी अगली पीढ़ी खाती रहे, है ना, तो भी वो खत्म ना होगा। तो धीरे धीरे दिखता है कि बहुत सारा काम उस पर हो रखा है, लेकिन बहुत सारी अन्य चीजें हैं, है ना, जिस पर अभी काम होना है, बच्चों की पढ़ाई का, स्वास्थ्य के रिलेटेड मुद्दों का, और भी कुछ कुछ इश्यूज हैं जिसके लिए अभी वो दिखता है, जिस पर आगे और काम होना है। और ये सारा काम तो सामूहिक रूप से कुछ प्रयास करके ही होता है भाई। व्यक्तिगत प्रयास से शिक्षा का दबाव, शादी ब्याह का दबाव, स्वास्थ्य का दबाव, इससे एक सीमा से अधिक आप आराम नहीं पा सकते। ये तो एक सामाजिक जिम्मेदारियों के तहत ही पूरी होती हैं, सामाजिक रूप से जुड़ के ही पूरी होती हैं। एक एक व्यक्ति अगर इनसे व्यक्तिगत पार पाने का प्रयास करेगा तो सौ सौ करोड़, हजार हजार करोड़ भी जुटाकर कोई पार पा नहीं पाया है ना। तो जी धीरे धीरे ये ध्यान जाएगा कि एक तो ये प्रोग्राम ठीक ठीक समझना अपने लिए, अपने परिवार के लिए वो जरूरी भाग है। जितना जितना अभी मेरे पास समय और अवसर है उसको और बारीकी से और सूक्ष्मता से समझूं, ताकि अब मैं भी समझूं, परिवार भी समझे, तो मैं एक आराम की स्थिति में आता चला जाता हूँ। फिर धीरे धीरे योग संयोग बनता है कि 1/4 भी जो आवश्यकता है वो भी तो पूरा होते रहना है। जिस विधि से हो रहा है इसके अलावा और क्या विधियां हो सकती हैं, है ना। एक बार वो चिन्हित हो जाता है तो फिर धीरे धीरे उस पर भी अल्टरनेटिव मेथड्स पे भी काम होना शुरू होता है। आवश्यकता 1/4 है प्रोग्राम की सुविधा पर ना, सुविधा की आवश्यकता एक सीमित है। वो ढंग से जब चिन्हित नहीं होता तो अल्टरनेटिव प्रोग्राम्स को भी डिजाइन करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में, उसका निर्णय लेने में बहुत घबराहट होती रहती है। तो अवसर हम उसके लिए या तो बना नहीं पाते, या बनता है तो कई बार उस अर्थ में निर्णय नहीं ले पाते, है ना। तो धीरे धीरे इस पर काम होगा तो आगे सर बनेंगे ही, हो सकता है उस पर मैं भी हो सके। जी जी भैया, नमस्ते जी भैया। मैं और अच्छा अच्छा जी ठीक है। तो हम लोग इनको सुनते हैं, शशि शर्मा जी। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते।
कल का जो ऑब्जर्वेशन था वो यहाँ रखना चाह रही हूँ, और उसके साथ ही जी एक प्रश्न और बन रहा है। हालांकि अभी आपने पवनेंद्र भैया के जो ऑब्जर्वेशन था उस पर जो चर्चा की उससे काफी स्पष्टता बनी है, पर फिर भी मेरे प्रश्न को लेकर भी मैं आपसे और स्पष्टीकरण चाहूंगी। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें पहला पॉइंट जो है कि पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करने के बाद अपना क्या कार्यक्रम देखते हैं, तो मैं ये देखती हूँ कि अब सुविधाएं जो हैं वो पर्याप्त दिखती हैं मुझे, कि उतनी तो हो गई हैं जितनी आवश्यकता है एक शरीर के पोषण संरक्षण और सामाजिक भागीदारी को निभाने के लिए। और कार्यक्रम की बात करूं तो अभी यही है कि अपनी समझ बढ़ाऊं और परिवार को भी इसके साथ में जोड़ पाऊं, तो ये एक बड़ा कार्यक्रम दिखता है। उसके साथ ही अगर भागीदारी को देखा जाऊं तो छोटे छोटे लेवल पे भागीदारी आरंभ की है, लेकिन एक शिक्षक के रूप में मैं अपनी भागीदारी को ज्यादा बेहतर देख पाती हूँ कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें मैं अपनी भागीदारी को निभा पाऊं और इस कंटेंट को पहुंचा पाऊं। और कहीं कहीं कल्पना में आवर्तनशीलता विधि से उत्पादन भी आता है, लेकिन अभी इस बारे में पूरी स्पष्टता नहीं है कि किस तरह से होगा कैसे होगा, इसलिए अभी जितना भी हो पा रहा है जितनी क्लैरिटी बनती है छोटे छोटे स्टेप उस डायरेक्शन में ले रही हूँ। दूसरा है कि यदि आय की कोई सीमा नहीं हो तो क्या आप उन सभी सुविधाओं को पहचान रहे हैं जिनकी आवश्यकता है, तो अभी जितनी आय है उसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पर्याप्त सुविधाएं हैं, लेकिन जैसा अभी आपने पवनेंद्र भैया को बताया कि अगर आपको लगे कि मतलब अगर आय की कोई सीमा नहीं हो यानी मेरे पास में बहुत सारा हो तो मैं क्या करूंगी, तो मुझे लगता है कि अभी इस चीज में मैं अटक जाऊंगी कि अच्छा इतना सारा मिल रहा है तो अपनी सुविधाओं को थोड़ा और बढ़ा लूं। ये कल्पना में मेरी आता है, मुझे एक्चुअली नहीं पता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, पर हो सकता है कि ऐसा हो जाए। तीसरा है दिन भर की प्रत्येक गतिविधि का निर्णय मैं करती हूँ शरीर नहीं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। हालांकि पिछला जो सेशन अटेंड किया था उसमें मैं इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को लेकर अटकी थी और अभी भी उस बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, पर ये देख पाती हूँ कि शरीर की जो एक्टिविटीज हो रही हैं जो शरीर को जिंदा रखने में जो शरीर के लेवल पे हो रही हैं उनके अलावा अगर मैं देखूं तो प्रत्येक गतिविधि का निर्णय मैं करती हूँ, चाहे मैं उसको सजगता पूर्वक करूँ या अपने संस्कार पूर्वक करूँ। उसके बाद में जो फोर्थ स्टेप है कि क्या देख पाते हैं कि प्रत्येक गतिविधि के लिए आप ही निर्णय लेने वाले हैं, अर्थात आप दृष्टा कर्ता और भोक्ता हैं और आप शरीर को एक साधन की तरह उपयोग कर रहे हैं, तो अगर इस पर सजगता रखूं या विचार करूं तब तो देख पाती हूँ कि दृष्टा कर्ता भोक्ता मैं हूँ, लेकिन पूरे दिन ये स्मरण में नहीं रहता है और वही शरीर के साथ में चिपक जाते हैं और फिर निर्णय जो है वो शरीर के आधार पर ही होने लगते हैं, जैसे संबंधों की पहचान है या कपड़ों का चुनाव है या पसंद नापसंद या इंद्रिय सुख जो मिलना होता है उससे डिसीजन होने लगते हैं। हालांकि पहले से इस मामले में सजगता बहुत ज्यादा बढ़ी है, और जैसे पहले ये होता था कि मैं मिठाई खाने से अपने आप को नहीं रोक पाती थी जो मैं अब आसानी से रोक देती हूँ, तो ऐसे कई छोटे 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 चीजें जो हैं वो अब होने लगी हैं जो पहले नहीं कर पाती थी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जगह ऐसी है जहां मैं देखती हूँ कि शरीर को मैं मान के कई सारे निर्णय होते हैं। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था भैया। अब जो एक प्रश्न मेरा बन रहा है वो ये है कि जो सुविधाओं से लेकर है ना कि सुविधाएं पर्याप्त हैं या नहीं है, या जैसे हम बाहर से सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं या सुविधाओं से सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें मेरा सवाल ये बनता है कि अभी भी कई चीजें ऐसी हैं जो मुझे करने में अगर मैं करती हूँ उनको तो मुझे खुशी मिलती है,
तो उसमें मुझे ये समझ में नहीं आता कि सुखी होकर करना और करके सुखी होना, इन दोनों में डिफरेंस है क्या? कि जैसे एक एक ही काम जो हम करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ड्राइंग करती हूँ, तो एक तो ये तरीका है कि मैं खुश हूँ और मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है और मैं उस काम को खुश होके कर रही हूँ, और एक ये होता है कि मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है और मुझे ड्राइंग करके खुशी मिलती है तो मैं ड्राइंग करने लगती हूँ ताकि मैं उस जो मेरा चित्र बनता है उसको बना के जो मैं मतलब मुझे संतुष्टि मिलती है उस चीज से मैं खुश हो सकूं। और इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अच्छे से तैयार होना अच्छा लगता है, या घूमने जाना अच्छा लगता है, फ्रेंड से बातें करना अच्छा लगता है, अच्छा खाना अच्छा लगता है। तो ये समझ में नहीं आता कि जब भी ऐसा करने लगते हैं तो लगता है कि कहाँ जरूरत है इसकी, ये तो हम बाहर से सुविधा से सुख या बाहरी चीजों से सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर जगह अटकती हूँ। और फिर कहीं ना कहीं अंतर विरोध भी होता है कि वो करने की इच्छा हो रही होती है और फिर लगता है कि नहीं, ये तो कोई जरूरी भी नहीं है, इसके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन काम एक्चुअली चल नहीं रहा होता है, वो एक आवेग बना होता है या कह लो कि एक इच्छा बहुत ज्यादा बनी होती है उस काम को करने की। तो ये थोड़ा सा मैं स्पष्टता चाहती थी इस चीज में। अपना सवाल रख पाई भैया? जी दीदी, आप ठीक से रख पाए। आपका मूल स्वभाव इस जगह, मूल प्रश्न इस जगह पे है कि बाहर बहुत सारी जो चीजें जो हम कर रहे हैं और उससे जो हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, और अपने में सही समझ सही भाव के साथ जो सुखी होने का प्रयास है, उन दोनों को जोड़कर कैसे देखा जाए। तो एक तो मूल बात मुझे ये लगती है कि हम पेंटिंग नहीं बनाएंगे, दोस्तों से बात नहीं करेंगे, या बाहर कोई गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, ये आशय नहीं। हम अपना भाव विचार बिगाड़ करके भी इन सब काम को कर सकते हैं और अपने भाव विचार को ठीक रखते हुए भी ये सारे काम कर सकते हैं। तो अगर भाव विचार को ठीक रखते हुए ये सारे काम करते हैं तो बाहर मेरी पेंटिंग का लोग ध्यान दें ना दें, उसकी तारीफ करें ना करें, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे दोस्त मेरे अनुकूल जवाब दें ना दें, मुझ पर ध्यान दें ना दें, तो उसका मेरे पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। मेरा जो भाव ठीक है, मैं अपने में जो स्वभाव के समझ कर अपने भाव को ठीक कर लिया है, दोस्त मेरे को सही ध्यान दे पाता है, भाव मेरे को दे पाता है, तब भी मैं हारमनी में बनी रहती हूँ। नहीं दे पाता है तो भी हारमनी में बनी रहती हूँ, और दोस्त की बेचैनी के कारण को समझ कर उसको बाहर निकालने में जो सहयोग हो सकता है उसको करने में प्रयासरत रहती हूँ। तो अगर मैं स्वभाव को समझ कर उसको अपने में सुनिश्चित करके जीने का प्रयास कर रही हूँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी बाहर की सारी गतिविधियों को नहीं करेंगे। वो करेंगे, लेकिन अपने में सही भाव को सुनिश्चित करते हुए, और अपना जो सुख है वो सही भाव सही समझ से सुनिश्चित करने का करते हुए, है ना, बाहर के कार्यों में भागीदारी करें। और उसका इंडिकेटर ये है कि जो हम बाहर कार्य कर रहे हैं लोग उस पर ध्यान दें ना दें, तारीफ करें ना करें, बल्कि उसकी बुराई भी करें, तो भी मेरे पर मेरे सुख पर उसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उसके माध्यम से मैं जो रीड करता हूँ वो लोगों की स्थितियाँ क्या क्या है, क्या देख पा रहे हैं, क्या उनकी दृष्टि है, उसको मैं उनके दिए गए इनपुट के आधार पर उनके सेल्फ की स्टडी के बारे एक निष्कर्ष बना रहा होता हूँ। ये मैं छोटा सा एक डिफरेंस देख पाता हूँ दीदी। इस पर यदि आपका कोई टेक है तो आप कह सकते हैं। जी भैया, ये चीज काफी समझ में आई, और ये भी मैं इस दिशा में देख पा रही हूँ कि पहले जब ये चीजें मैं करती थी तो बाहर से अप्रूवल मिले उसकी, उसके लिए काफी मतलब इच्छा रहती थी, आकांक्षा रहती थी, आशा रहती थी कि कोई भी काम करूं तो बाहर से बहुत तारीफ मिले, प्रशंसा मिले, और अगर मिल जाती थी तो मैं बहुत खुश होती थी, और अगर नहीं मिलती थी तो मुझे बहुत खराब लगता था, मैं दुखी हो जाती थी। या उस दिशा में मैं देखूं तो अभी काफी स्थिति जो है वो बेहतर हुई है, पूरी मतलब सही हो गई है कि मेरे भाव जो हैं बिल्कुल परिवर्तित नहीं होते हैं दूसरों से प्रशंसा पाकर, या दूसरों से अगर अपेक्षाकृत जो रिस्पॉन्स नहीं मिले
तो अभी भी प्रभावित तो होती हूँ, पर उस समय ये ध्यान रहता है कि मैंने ये काम किस लिए किया था। इसलिए किया था कि मैं खुद खुश थी और ये करना चाहती थी इसलिए किया था, या दूसरों से जो अप्रूवल या दूसरों से जो संवेदनाएं मिलनी है या भाव मिलने हैं उनको पाने के लिए किया था। तो ये ध्यान मैं दे पाती हूँ, हालांकि अभी पूरी पूरी नहीं निकल पाई हूँ इससे। ये चीजें अभी भी मुझे प्रभावित करती हैं, और विशेष रूप से जब कोई काम करना चाहती हूँ और उसमें अगर कोई रोक टोक करता है तो भाव बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। पर अभी इस चीज की क्लैरिटी बनी कि अब हर जगह अपने आप को रोकना भी नहीं है। अगर मतलब कोई चीज मुझे करनी है, या जैसे कॉलेज जाना है और अच्छे से तैयार होके जाना है, तो उस पे वाकई मुझे मतलब फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे अच्छा कह रहा है या नहीं कह रहा है। तो ये चीजें जो डिफरेंस है, ये आज आपने जो समझाया उससे मैं मतलब अच्छी तरह से अपने आप को देख पा रही हूँ। जी भैया, धन्यवाद बहुत बहुत। विकास देव जी के बाद रक्षपाल कौर जी। जी विकास देव, नमस्ते भैया नमस्ते, विकास भैया। सभी को नमस्ते। भैया मेरा जो थोड़ा कल कल का जो अभ्यास दिया गया था, अभ्यास में मैं अपने में तो मैं जैसे कि पर्याप्त सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए अगर देखें तो पर्याप्त सुविधाएं तो पहले से मौजूद हैं ही, और ये सब चीज़ें मैं देख ही पाता हूँ। और मैं इसका भी एक कार्यक्रम अपने में देख बनाने की कोशिश करता हूँ कि अगर सुविधाएं मेरे पास हैं और मेरी आय जो अभी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो रही है, तो मैं उसको कहाँ कर सकता हूँ, मतलब कि समाज के साथ में भागीदारी में किस रूप में कर सकता हूँ, उसका एक कार्यक्रम मैं अपने में बनाने का प्रयास करता रहता हूँ। हालांकि अभी उस पर काम नहीं होता है, मतलब कार्यक्रम बन रहा होता है लेकिन क्रियाशील नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा अंतर रह जाता है। दूसरा ये है जैसे कि गतिविधियों में मेरा ध्यान अपने ऊपर रहता है कि मैं निर्णय मैं स्वयं ही लेता हूँ, चाहे शरीर का कोई भी कार्य कर रहा हूँ या विचारों में मैं कोई भी विचार भी कर रहा हूँ या शरीर से कोई कार्य भी कर रहा हूँ, दोनों ही तरीकों से निर्णय मेरा स्वयं का ही रहता है। और ये जो दृष्टा कर्ता और भोक्ता वाला प्रश्न है भैया, इसमें मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे देखता हूँ कि इसमें अगर मैं इस तरीके से देखने जाता हूँ तो मेरे अंदर कर्ता का भाव आता है, और कर्ता के भाव में मेरे अंदर एक अहम का भाव जगता है कि ये सब काम मैं ही कर रहा हूँ। तो अहम का भाव जब जगता है तो वो उससे मैं अपने अंदर को मतलब इसको ठीक नहीं कर पाता हूँ कि अहम का भाव मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहम के भाव से दूसरे विकार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, मैं फिर अपने आप को महत्वशाली समझना शुरू कर देता हूँ और दूसरे को महत्वशाली नहीं समझता हूँ। तो मैं उस पर आपकी क्लैरिटी चाह रहा था कि इसमें कर्ता का भाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, जिसमें कि अहम का भाव बन जाता है, ये मेरा प्रश्न था भैया। जी, तो मैं अपने कर्ता होने का जब राइट इवेल्युएशन करता हूँ तो ना अहम के भाव से मुक्त रहता हूँ। जब ओवर इवेल्युएशन कर देता हूँ उसका, तो मैं अहम के भाव में चले जाता हूँ, अहंकार में चले जाता हूँ। उदाहरण के तौर पर मैं खेती कर रहा हूँ, किसान हूँ, तो एक ये भी निष्कर्ष बन सकता है कि ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही खेत जोत रहा हूँ, मैं ही फसल बड़ा कर रहा हूँ, मैं ही फसल को पका रहा हूँ, मैं ही फसल को काट रहा हूँ, ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। अब ये देखेंगे तो ये ओवर इवेल्युएशन हो। राइट इवेल्युएशन क्या है कि मैंने खेत को जोता, उसमें बीज डाला और उसको सींचा, और अब समय पड़ने पर उसमें घास निकाला और समय पड़ने पर उसकी कटाई करी, ये सब तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो बीज धरती में डाला, उससे बीज का धरती के साथ पहचान कर, निर्वाह कर, अंकुरित होना, फिर उसका थोड़ा बड़ा होना, फिर और बड़ा होना, फिर उसमें फूल आना, फिर उसमें फल आना, फिर उसका पक जाना, ये तो सब प्रकृति सहज ढंग से चल रहा है ना। वो मैं नहीं कर रहा, लेकिन बीज में डाल रहा हूँ, है ना, पानी में लगा रहा हूँ, खेत में सींच रहा हूँ, घास निकाल रहा हूँ। तो जो मैं कर रहा हूँ, जो जहाँ मेरा कर्ता का रोल है, मैं उसका राइट इवेल्युएशन कर सकूँ, और जहां मेरा रोल नहीं है, जिसको मैंने ओवर इवेल्युएशन में मैं ही कर रहा हूँ ऐसा करके स्वीकार कर लिया है, तो उसको ठीक ठीक राइटली इवेल्युएट कर सकूं, तो ये अहंकार से, अहम से मैं बच सकता हूँ। जी भैया, इतना कहना चाहूंगा संकेत के रूप में।
अच्छा तो इसमें थोड़ा सा मेरा एक इनपुट है भैया, आपका बात मतलब मुझे बिल्कुल ठीक से समझ में आई है, और मैं अपना थोड़ा सा अध्ययन के स्तर पे ये चीज़ कह सकता हूँ कि जैसे इसको हमारी भाषाओं में बहुत अच्छे से रखा था कि हम लोगों में मतलब हम होने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और भाषा में उसको उसी तरीके से उपयोग भी करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ फसल होती है कोई करता नहीं है, या हमारे यहाँ अगर शादी भी है तो वो होती है, शादी कोई करता नहीं है, तो होने में मतलब कि मैं एक काम कर रहा हूँ और उसके अलावा समस्त और प्रकृति, शेष प्रकृति सृष्टि है उसका भी एक योगदान है, तो उसमें केवल मैं ही अकेला नहीं हूँ, मैं भी ऐसे में इस विचार से इन सब क्रियाओं को देखने की प्रयास करता हूँ, तो ठीक है ये भैया? तो हो रहा है और उसमें मेरी एक निश्चित भागीदारी है, जी और जो मेरी निश्चित भागीदारी है उसी को स्वभाव कह रहे हैं, जी प्रकृति स्कृति सहज स्वीकृति। तो जो मेरी निश्चित भागीदारी है उसको मैं स्वयं में पहचान कर और उस भागीदारी के अर्थ में निर्णय लेकर उसका निर्वहन कर रहा हूँ। तो वो अगर मैं नहीं पहचान पाता हूँ तो या तो उससे कम भागीदारी करता हूँ, या जिन भागीदारियों को मेरी मेरा स्वभाव नहीं है उसको भी अपनी ही जिम्मेदारी पर ले लेता हूँ, अपना ही मान लेता हूँ ओवर इवेल्युएट करके, और दोनों ही जी चक्र में मैं अपने को फंसा हुआ पाता हूँ। तो जो भी कार्यक्रम बाहर हो रहे हैं, शादी ब्याह है, खेती है, ये तो हो रहा है, लेकिन उसमें मेरी भी एक निश्चित भागीदारी जी है। मेरी भी भागीदारी है, उसके अलावा शेष प्रकृति और है जो उस कार्य को पूरा कर रही जी, तो उस दोनों है। के, और मैं भी उस प्रकृति का हिस्सा हूँ और उसके योगफल में जी हो रहा है, लेकिन जो मेरी निश्चित भागीदारी है उसको मैं अपने भीतर अपने स्वभाव को देखकर पहचानने का जिम्मेदारी मेरी है, उस अर्थ में जी भाव विचार को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेरी है, और फाइनली देश काल परिस्थिति को ऑब्जर्व करके उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी मेरी है। इसको जब मैं अपने में स्वभाव के रूप में पहचान पाता हूँ तो उसको मैं कर्ता के रूप में अपने को देख भी पाता हूँ और उसको एग्जीक्यूट भी कर पाता हूँ, लेकिन पूरी प्रकृति, पूरी अस्तित्व, पूरी कायनात वो मेरे करने से जी चल रहा है ऐसा नहीं। सूरज, भैया चांद, तारे, परमाणु, ये सब क्रियाशील ही है, वो मेरे करने से है ऐसा नहीं, लेकिन मेरा कोई भागीदारी नहीं है इसमें ऐसा भी नहीं। जी भैया ठीक भैया धन्यवाद। हेलो भानु भैया, नमस्ते। हाँ नमस्ते, लक्ष्यपाल जी, दीजिए अपनी बात रखिए। सभी को नमस्ते सर। जो कल का मेरा ऑब्जर्वेशन रहा उसमें मेरे पास पर्याप्त सुविधाएं तो हैं जिसको मैं सुनिश्चित कर पाती हूँ और अपने तो आज की कार्यक्रम को अपेक्षा भी। रहेगी कि आज आज का आप अपना एक्सपीरियंस अगर थोड़ा ब्रीफ में रखें, क्योंकि ब्रीफ में सात ये है आठ कि सर आय को लेके जो मेरी एक कंट्राडिक्शन थी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, पहला पॉइंट तो मेरे को क्लैरिटी से समझ आता है कि मेरे पास पर्याप्त सुविधा है, पर आय को लेके मेरे पिछले 6 महीने में मेरे साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ कंट्राडिक्शंस थी। तो जब मैंने कुमार सर से भी डिस्कशन करा अलग से, तो उन्होंने कहा ऐसा आय को लेकर कुछ भी करने पर, सोचने पर और कोई निर्णय लेने पर कुछ फायदा होने वाला नहीं, कुछ ये फाइनल कुछ निकलेगा नहीं। तो उसका एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ कि उस एक्सपीरियंस से मैंने वो मुद्दा छोड़ दिया। जब मैंने उस मुद्दे आय के मुद्दे को छोड़ दिया तो उससे मेरे को ऐसे लगा कि सुविधाएं आवश्यकता से अधिक है मेरे पास। पर अब ये बात थी कि अगर मैंने आय के उस जो मुद्दा था मेरा उसको मैंने जब छोड़ा है, तो जब 6 महीने के एक्सपीरियंस से मैं ये देख पाई हूँ तो उससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। ये तो फैक्ट है, सर ने जो कहा था वो तो समझ आता है कि उस निर्णय से कि मेरे को ज्यादा आय चाहिए और मैं इससे ज्यादा काम कर रही हूँ तो इससे कुछ निकला नहीं, तो उससे बेटर ही रिजल्ट आए जब मैंने इस निर्णय को छोड़ा कि मेरी आय बढ़नी चाहिए। तो उससे बेटर रिजल्ट ये है, एक तो मैं समझ पाई कि मेरी कोई इतनी आवश्यकता है नहीं, और दूसरी ये बात थी कि शादी के लिए अभी जो मेरे से पहले भी साथी थे उन्होंने शादी की बात कही, शादी की नहीं जाती, शादी होती है। तो हाँ वो तो एक नेचुरल है ही है कि हमारी सिर्फ उसमें एक भागीदारी रहती है, और मैंने ये पाया कि वाकई में वो सिर्फ भागीदारी ही है, बाकी सब कुछ अपने आप ही होता है। उस अगर उस सिचुएशन को देख के भी मैं चलूं तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि आदमी जब एक आय को लेके बहुत सारी डिस्कशंस करता है और उसके लिए कंट्राडिक्शन करता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी, अपने आप में भी सुखी नहीं रह पाता एक इनकम को लेकर, तो उससे कुछ निकलने वाला होता नहीं है। तो अगर हमें कई चीजों की समझ आ जाए तो उस समझ से हम कई सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं।
और मेरे को उस फंक्शन में भी कोई इतना पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, एक लिमिटेड पैसा था, लिमिटेड खर्च हुआ, और इसमें कोई ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई सुखी नहीं हुआ या किसी को हैप्पीनेस नहीं मिली, सब सही तरीके से हुआ। और ये एक नेचुरली ये एक रियलिटी और फैक्ट है कि शादी होती है, हम नहीं करते, तो ये तो बात बहुत अच्छे तरीके से मेरे को समझ आई। और दिन भर की भी गतिविधियों में मैंने जो देखा कि निर्णय तो मैं ही लेती हूँ, स्वयं मेरा सेल्फ ही, मैं ही निर्णय लेती हूँ हर चीज के लिए, अगर मेरे को सही समझ आ जाती है और फैक्ट रियलिटी को देखती हूँ तो निर्णय मेरा ही है, तो इस वजह से तो इंजॉयर में मैं ही हूँ, तो इस चीज को समझ आ गई। और निर्णय लेने पे और जो दृष्टा करता और भोगता है, जब मैं सही निर्णय लेती हूँ सही समझ के साथ और एक वास्तविकता को देखती हूँ, तो शरीर के साधन की उपयोगिता लिमिटेड नजर आती है। धन्यवाद सर, इतना ही शेयरिंग था। जी, बढ़िया है दीदी। बस मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत सारी चीजें हो भी रही हैं और बहुत सारा मेरे उसमें निश्चित भागीदारी है जिसको मुझे अपने में समझकर उसका निर्णय लेना होता है। तो ये दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं, आपका ध्यान दोनों पर जा रहा है, ये अच्छी बात है। और कैसा जी, तो कल इस पर बात हुई थी कि मैं हूँ, मेरा शरीर भी है, मैं जीना चाहता हूँ और शरीर का साधन की तरह प्रयोग करता हूँ। मैं सिर्फ जीना ही नहीं चाहता बल्कि निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहता हूँ, और उसके लिए शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के लिए सुविधा की आवश्यकता है। इसके लिए निरंतर सुख पूर्वक जीने के लिए जो मेरा कार्यक्रम है वो 4 स्तर की व्यवस्था, मानव, परिवार, समाज, प्रकृति और अस्तित्व, इसको ठीक ठीक समझना और ऐसा भाव विचार सुनिश्चित करके वैसा जीना, ये मेरे निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने का कंप्लीट कार्यक्रम है। सुविधा का उत्पादन करना, संरक्षण करना, सदुपयोग करना, ये जो सुविधा रिलेटेड कार्यक्रम है मेरे जिंदगी का संपूर्ण कार्यक्रम नहीं है बल्कि मेरे कार्यक्रम का एक भाग है, एक चौथाई भाग है। तो यहाँ ये जो चौथा पॉइंट है मुझे आज के परिदृश्य में ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सुविधा के उत्पादन, संरक्षण और सदुपयोग को ही जिंदगी का संपूर्ण कार्यक्रम बना लिया है या बाई चांस बन गया है। यह हम अपने भीतर पिछले कुछ दिनों से सभी लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। अगर सुख स्वभाव है ये हमको समझ में नहीं आता, सुख प्रभाव है उसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं, तो सुविधा के उत्पादन, संरक्षण और सदुपयोग ही जिंदगी का प्रमुख कार्यक्रम या यूं कहें कि कंप्लीट कार्यक्रम बन के रह जाता है। दूसरी तरफ जब ये बात भी ध्यान में नहीं आती कि सुखी होने का कार्यक्रम तो सही समझकर, सही भाव से होगा, 4 स्तर की व्यवस्था को समझ के होगा, है ना? सुविधा का प्रयोग तो मात्र शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग के लिए है। अगर ये बात भी जो ऊपर वाला है ये ठीक से समझ में नहीं आता, तो भी जो है सुविधा का उत्पादन, संरक्षण और सदुपयोग ही जिंदगी का प्रमुख कार्यक्रम या कंप्लीट कार्यक्रम के रूप में दिखता है। तीसरी बात को देखने जाए तो मैं सेल्फ और बॉडी दोनों का को एग्जिस्टेंस हूँ, दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, पूरा होने का तरीका अलग अलग है, दोनों वर्ल्ड के को एग्जिस्टेंस के रूप में मैं हूँ। ये बात अगर अपने भीतर ध्यान में नहीं बनी रहती है और दोनों की आवश्यकता पूरा करने का तरीका अलग अलग है, ये बात अगर ध्यान में नहीं बनी रहती है, तो मैं सेल्फ और बॉडी दोनों ही आवश्यकताओं को मात्र सुविधाओं से पूरा करने के लिए प्रयासरत रहता हूँ, और उसके लिए मुझे फिर असीमित सुविधा संग्रह को जुटाने में पूरी जिंदगी लगाना पड़ता है। तो पैदा होते ही बहुत सारा मेरे लिए सुविधाओं का लोग प्रयोग करते जाते हैं, फिर धीरे धीरे मैं बहुत सारी सुविधा जुटाने के कार्यक्रम में लगा रहता हूँ और आखिरी समय तक भी उस पर कुछ हो पाया ये तय नहीं हो पाता। पूरी की पूरी जिंदगी ही सुविधा के इर्द गिर्द ही चलती चली जाती है। तो धीरे धीरे ये बातें ध्यान में आती हैं कि सेल्फ भी है, बॉडी भी है, दोनों की आवश्यकता को पूरा करने का तरीका अलग अलग है, स्वभाव से सुख है। तो हम धीरे धीरे इसको भी देख पाते हैं कि सुविधा का उत्पादन, संरक्षण और सदुपयोग मेरे कार्यक्रम कंप्लीट कार्यक्रम नहीं है बल्कि उसका एक भाग है। अभी भी देखेंगे तो एक ढंग से कभी सोचा गया कि ऐसे कार्यक्रम बनेगा कि शुरुआती जो जिंदगी का एक चौथाई समय है 25 साल, आदमी उसको अपने में सही समझ, सही भाव को सुनिश्चित करने के लिए लगाएगा। अगला जो 25 साल है जिंदगी का एक चौथाई समय, उसमें सही समझ, सही भाव के साथ जीने का प्रयास करते हुए
परिवार के सुविधा के उत्पादन, संरक्षण और सदुपयोग वाले काम को भी प्राथमिकता के साथ करेगा परिवार। उसके बाद देखेंगे तो यदि ध्यान में आया कि उसके बाद फिर जो प्रमुख काम है, ये जो सुविधा का उत्पादन और उसका संरक्षण और उसका सदुपयोग, तो अगली पीढ़ी अब उसको करेगी। और अब मैं जो हूँ वो एक तरह से जो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है ना, उत्पादन की व्यवस्था ठीक हो, विनिमय की व्यवस्था ठीक हो, पूरी सामाजिक व्यवस्थाएं ठीक हो, ताकि अब सामाजिक चेतना का ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, अमानवीय समाज से मानवीय समाज के रूप में मैं अपने आप को अब इस पे प्रमुखता से लगाऊंगा। उसके लिए जो अपने में समझ विकसित करनी है, उसको आगे एग्जीक्यूट करना है, ये मेरा प्रमुख कार्यक्रम होगा। और फिर धीरे धीरे इंटायर एग्जिस्टेंस को मैंने समझा है, स्पेस को, टाइम को, स्पेस के साथ को, एग्जिस्टेंस को, आगे का समय उस पर लगाऊंगा। तो एक तरह से देखेंगे तो एक समय तक हमने जिंदगी का एक चौथाई हिस्सा सुविधा के उत्पादन पर प्राथमिकता से तय किया था। अभी देखेंगे तो समहाउ कुछ ऐसी फसावट आ गई है कि पूरी जिंदगी ही सुविधा के उत्पादन में चली जा रही है, उसके पोषण में, उसके संरक्षण में। बहुत ठीक ढंग से हम उसको आर्टिकुलेट करके और समय का ठीक डिस्ट्रीब्यूशन उस पर नहीं लगा पा रहे हैं। तो चाहे हम एक दिन के रूप में इस डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक से देखें कि प्रतिदिन का एक चौथाई भाग इस पर लगा रहे हैं, या सप्ताह का चौथा हिस्सा लगा रहे हैं, महीने का चौथा हिस्सा लगा रहे हैं, वर्ष का चौथा हिस्सा लगा रहे हैं, या जिंदगी को इस ढंग से डिजाइन करके देख रहे हैं कि एक चौथाई हिस्सा प्रमुखता से सुविधा के उत्पादन पर रहेगा, बाकी हिस्सा समझ, संबंध और भाव को अपने भीतर सुनिश्चित करके जीते हुए व्यवस्था में जीना और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के अर्थ में रहेगा। ये अगर मैं ठीक ठीक नहीं देख पाता हूँ तो पूरी की पूरी जिंदगी ही सुविधा के इर्द गिर्द निकल जाती है और अपने भीतर जो बेचैनी है वो वैसे के वैसे ही बनी रहती है। तो धीरे धीरे हम इस बात को अपने भीतर ऑब्जर्व करके देखने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब भी तैयारी कर ही रहे होंगे कि सुविधा का बहुत ओवर इवेल्युएशन तो मैंने नहीं कर लिया है, राइट इवेल्युएशन कर पा रहा हूँ कि नहीं, है ना। और एक बार जब ये दिख जा रहा है कि सुविधा की आवश्यकता निश्चित है, उसके लिए कार्यक्रम का एक निश्चित समय लगाना उस पर से वो हो जाएगा, तो शेष समय का मैं क्या कर रहा हूँ, या जब तक मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ वो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से तब तक कम से कम सही समझ के लिए प्रतिदिन कुछ घंटे कुछ मिनट लगाने का निश्चित किया है कि नहीं, है ना। व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं ठीक हो सके, उसके लिए समाज में लोगों के में चेतना का विकास हो सके, उसमें मेरी कुछ निश्चित भागीदारी हो सके, कुछ सहयोग हो सके, उसके लिए मैं कुछ कार्यक्रम बना के चला सकूं, या जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें निश्चित भागीदारी का निर्वहन कर सकूं, ये मैं अपने में तय कर पा रहा हूँ कि नहीं। और अगर तय किया है तो ये कमिटमेंट की निरंतरता बन पा रही है कि नहीं, और निरंतरता बन रही है तो धीरे धीरे अब मैं बड़ी जिम्मेदारियों को भी लेने के लिए अपने आप को तैयार कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो धीरे धीरे अपने गति को भी मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ इस दिशा में। तो इसमें हम लोगों ने आगे दृष्टा, कर्ता और भोक्ता के बिंदु पर भी ध्यान दिया था। आज थोड़ा सा मैं इसको और एलाबोरेट कर देता हूँ, तो भैया थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ जाएंगे। तो ये जो बात हुई थी कि मैं दृष्टा हूँ, दृष्टा का अर्थ है कि वो जो देखता है समझता है, तो मैं जांच के देखूं कि क्या शरीर देखता है समझता है, या मेरा सेल्फ, मैं स्वयं देखता हूँ समझता। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें तो आपके हाथ में अगर कोई पेन है इस समय, या मोबाइल है इस समय, तो ये निष्कर्ष कौन निकाल रहा है कि एक पेन है या एक मोबाइल है? आपकी आंखें ये निष्कर्ष निकाल रही हैं, या आपके हाथ ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं, या आपका सेल्फ ये निष्कर्ष निकाल रहा है कि ये मोबाइल है या पेन है? तो जब भी मैं इस पर ध्यान देता हूँ तो ये देख पाता हूँ, आंखों से एक सूचना मिलती है, आंख उसको रीड करता है और वो सूचना मैं पढ़ता हूँ, हाथ से स्पर्श की सूचना मिलती है उसको मैं पढ़ता हूँ, और उस सूचना के आधार पर मैं ही ये तय करता हूँ कि ये पेन है या मोबाइल है। तो देखने वाला मैं हूँ, ना कि आंख और हाथ। इसी प्रकार हम अपने जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, ये जितनी भी पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, ये देख पाते हैं कि उसके माध्यम से हम बाहर की चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। तो इन पांचों ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं हम बाहर की लेते हैं और उसको हमारा सेल्फ पढ़ता है। तो हम बहुत सारी चीजें पांचों ज्ञान इंद्रियों की सूचना को लेकर उसके माध्यम से हमारा सेल्फ देख रहा है, समझ रहा है ना।
और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिसको हम बिना इन ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किए भी अपने भीतर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पर आप हारमनी में हैं, खुश हैं, डिसहारमनी में हैं, बेचैन हैं। इसको देखने के लिए आपको किसी भी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका सेल्फ सीधे सीधे देख पाता है कि आप आराम में हैं या बेचैन, आप हारमनी में हैं या डिसहारमनी में, आप गुस्से में हैं या गुस्से में नहीं। इन सब चीजों को आप अगर देखने जाते हैं तो इसमें ज्ञानेंद्रियों की बहुत जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधे सीधे अपने भीतर देख पाते हैं। आप में अपमान का भाव है कि सम्मान का भाव है, स्नेह का भाव है कि विरोध का भाव है, तो आपके भीतर क्या विचार चल रहे हैं, इन सबको आप बिना किसी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किए सीधे सीधे देख पाते। तो निष्कर्ष ये बनता है कि दृष्टा तो मैं ही हूँ, कई बार देखने का काम मैं सीधे सीधे करता हूँ, कई बार जो मेरी ज्ञानेंद्रिया है उनके माध्यम से करता हूँ, लेकिन दोनों ही स्थिति में दृष्टा तो मैं ही हूँ। जब ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चीजों को देखने का प्रयास कर रहा होता हूँ तब उस प्रक्रिया में शरीर का एक साधन की तरह प्रयोग करता हूँ, और जब मैं सीधे सीधे चीजों को अपने भीतर देख रहा होता हूँ, समझ रहा होता हूँ, उस समय शरीर का प्रयोग नहीं कर रहा होता हूँ, सेल्फ सीधे सीधे चीजों को समझ रहा। तो मैं दृष्टा हूँ, मैं चीजों को देखने का काम करता हूँ शरीर का साधन की तरह प्रयोग करते हुए भी, पर कई बार सीधे सीधे, दोनों ही स्थिति में दृष्टा मैं हूँ। इसको मैं अपने भीतर ऑब्जर्व करने का, रिफ्लेक्ट करने का काम कर सकता। नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट स्लाइड बढ़ेंगे क्या आगे? जी, तो एक बार जब मैं अपने को दृष्टा के रूप में देख पाता हूँ तो इस पर भी ध्यान जाता है कि कर्ता का क्या अर्थ, कर्ता का जो अर्थ है अर्थात जो करता है, या यूं कहूँ जो करने का निर्णय लेता है। तो हाथ से क्या करना है, आंख से क्या करना है, पैर से क्या करना है, नाक से क्या, तो जो करने का निर्णय है ये हाथ पैर ले रहे हैं या मेरा सेल्फ ले रहा है। धीरे धीरे देखता हूँ बहुत सारी चीजें मैं शरीर के माध्यम से करता हूँ, चलने का काम, खाने का काम, हाथ से कुछ काम करता हूँ, सर हिलाता हूँ। तो जहां मैं बहुत सारा शरीर के माध्यम से कर रहा हूँ वहां भी करने का निर्णय तो सेल्फ ही ले रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें मेरे सेल्फ में भी चल रही हैं जिसका निर्णय मैं ले रहा हूँ। कौन सा विचार मैं चलाऊं, ये वाला विचार चलाऊं या वो वाला विचार चलाऊं, ये भाव अपने में सुनिश्चित करूं कि वो भाव अपने में सुनिश्चित करूं, मैं इस वस्तु को समझने पर ध्यान दूं या उस वस्तु पर समझने पर ध्यान दूं। ये बहुत सारे निर्णय जो हो रहे हैं ये तो सेल्फ के भीतर ही हो रहे हैं, वो सेल्फ में ही काम चल रहा है। और ज्यादातर समय जब आप अपने भीतर ध्यान देते हैं तो शरीर के माध्यम से बाहर जो आप करने का निर्णय लेते हैं वो तो बहुत कम समय लेते हैं, ज्यादातर समय तो आपके भीतर ही बहुत कुछ चलने का निर्णय आप लेते रहते हैं और उसको चलाते रहते हैं। कभी आप बस में बैठ के जा रहे हैं तो आप देखिए अपने भीतर आप कितनी सारी चीजें चला रहे हैं ना, कभी ये भाव चला रहे हैं, कभी वो भाव चला रहे हैं, कभी ये विचार चला रहे हैं, कभी दूसरा विचार चला रहे हैं। तो बहुत सारा निर्णय आप देखेंगे तो करने का आप शरीर के माध्यम से भी ले रहे हैं कई बार, और ज्यादातर बहुत सारा निर्णय आप अपने भीतर भी लेकर उसको कर रहे हैं। तो निर्णय लेने का काम दोनों ही स्थिति में स्वयं कर रहा है, कभी वो सीध पूरा का पूरा उस निर्णय को स्वयं में ही चलाता रहता है, और कई बार उसको शरीर के माध्यम से बाहर भी व्यक्त करता है। उस प्रक्रिया में मैं सेल्फ शरीर का साधन की तरह प्रयोग करता है। नेक्स्ट स्लाइड भैया, इसको भी आप अपने भीतर ऑब्जर्व करेंगे। भोक्ता का अर्थ है कि जो सुख और दुख को भोगता है। हम जो भी क्रिया कर रहे हैं या तो सेल्फ के भीतर या सेल्फ के द्वारा शरीर के माध्यम से बाहर, तो दोनों के ही कुछ परिणाम आते हैं, जिसका अंतत्वगतवा जो सुख दुख है वो तो सेल्फ भोगता है। तो शरीर के माध्यम से हमने कुछ बाहर काम किया, उससे धन संचय हुआ है ना, लोगों के साथ संबंध का निर्वहन किया मैंने, उन दोनों से ही है ना, दोनों में ही है ना, जो सुख और दुख भोगने का काम है वो शरीर कर रहा है या मैं कर रहा हूँ, है ना। ये अपने में ऑब्जर्व करने का काम हम लोगों ने कल किया तो धीरे धीरे पता लगता है कि मैं उत्साहित हूँ या डिप्रेशन में हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ या हारमनी में हूँ, है ना, मेरे में एक तरह से आश्वस्ति का भाव है या अनिश्चितता है।
मैं गुस्से में हूँ या प्रसन्न हूँ, ये सारे चीजों को मैं अपने भीतर देख सकता हूँ, जिससे इस बात पर ध्यान जाता है कि भोगता तो मैं ही हूँ। तो धीरे धीरे अगर इन तीनों बातों को गहराई से अपने भीतर ऑब्जर्व करता हूँ तो ये देख पाता हूँ कि दृष्टा भी मैं हूँ, कर्ता भी मैं हूँ और भोगता भी मैं हूँ। शरीर का तो एक साधन की तरह प्रयोग करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड दिया। तो अब यह निष्कर्ष बना पाता हूँ कि मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, शरीर का साधन की तरह प्रयोग करता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं मानव रूप में सेल्फ और बॉडी के को एग्जिस्टेंस के रूप में हूँ, जिसमें सेल्फ ही करता है, सेल्फ ही दृष्टा है, सेल्फ ही भोगता है, और वो इस प्रक्रिया में शरीर का साधन की तरह प्रयोग कर रहा है। अतः सेल्फ ही मानव के केंद्र में है, सेंटर में सेल्फ है। ये एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष बनता है। इस पूरी बात को अगर हम लोग समराइज करें तो नेक्स्ट स्लाइड में समराइज कर सकते हैं। अगर इस पूरी बात को हम समअप करें तो इस रूप में समअप करके देख सकते हैं कि मानव मैं और शरीर के अस्तित्व के रूप में है, जिसमें मैं ही दृष्टा कर्ता और भोक्ता है, उसके केंद्र में मानव है। और चैतन्य की आवश्यकता तो निरंतर सुख है, और निरंतर सुखी होने के लिए जो हमारा कार्यक्रम है, वो जो चार स्तर पर हमारा जीने का फैलाव है, मानव से लेकर प्रकृति अस्तित्व तक, उसमें व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में जीना, ये मेरा निरंतर सुखी होने का कार्यक्रम है। सुविधा का उत्पादन करना या उसका संरक्षण करना या उसका सदुपयोग करना, ये मेरा संपूर्ण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि मेरे कार्यक्रम का एक चौथाई या उससे भी कम भाग है। इसके लिए मैं शरीर का साधन की तरह प्रयोग करता हूँ, और ये शरीर साधन है तो मैं का है, और मैं और शरीर में सूचनाओं का ही आदान प्रदान हो रहा है, कोई भौतिक फिजिकल एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो अभी तक की चर्चा का अगर सारांश देखें, सार देखें तो इतना है। हम इन चीजों को अपने भीतर ऑब्जर्व करें और गहराई से आज और इससे जुड़े हुए दिए गए अभ्यास को भी करें। उस पर जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस होंगे, प्रश्न होंगे, उस पर कल बात करेंगे। आज की जो चर्चा है उसको हम लोगों ने एक तरह से पूरा किया, और उस पर जो ऑब्जर्वेशन का काम है, अपने भीतर रिफ्लेक्ट करने का काम है, वो तो जरूर आज हम लोग 4-5 मिनट में ही कर पाए। आज आप लोग उसको स्वतः ही करें, और जो अभ्यास दिया जा रहा है उसको भी करें। कल इस पर आप लोगों के ऑब्जर्वेशन, प्रश्न और इसको अपने भीतर ध्यान देने के अभ्यास को करेंगे। तो आज की चर्चा को यही रोकते हैं, तो भी आप इसको आज कंक्लूड कर दें।